तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले सवाल को देखो। अगर इस वाले क्वेश्चन को देखोगे बेसिकली इसमें कि क्या कहा जा रहा है, एक रेक्टेंगुलर कॉयल है जिसकी लेंथ जो है आपको दी हुई है और विड्थ भी दिया हुआ है और जिसमें करंट 85 एम्पीयर है, सब्जेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड 0.5 टेस्ला, ठीक है। तो वर्क डन रोटेट 180 डिग्री। देखो अब इस टाइप के क्वेश्चन को बेसिकली आपको याद होना चाहिए कि इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग कैसे करते हैं। सिंपली कोई भी अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ये भी है, इससे कोई कॉयल थीटा 1 डिग्री पर है, लेट अस सपोज ये कॉयल है या बार मैग्नेट या कुछ भी है जो कि थीटा 1 डिग्री पे है, फाइनली मैंने इसको घुमा के ये थीटा 2 डिग्री चेंज कर दिया जो कि मैग्नेटिक फील्ड से थीटा 2 डिग्री पे आ गया। तो इस केस में जो वर्क डन का कॉन्सेप्ट है वो मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड और यहाँ से कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 का फार्मूला आपको याद होगा, याद रखना कॉस थीटा 1 कॉस थीटा 2। तो जब थीटा 1 यहाँ पे कितना है 0 और थीटा 2 यहाँ पे जब 180 डिग्री घुमा दोगे तो 180 डिग्री, क्योंकि शुरू शुरू में ये कॉयल ऐसे था। तो यहाँ से जो वर्क डन आ जाएगा वो आ जाएगा एम बी, यहाँ से कॉस 0 माइनस कॉस 180। अब देखोगे कॉस 0 यहाँ से 1 होता है, एम बी कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है और माइनस यहाँ से माइनस 1, तो माइनस माइनस यहाँ से प्लस, तो आ जाएगा 2 टाइम्स एम बी, दैट इज द वर्क डन। यहाँ पे इस कॉयल में वर्क डन इतना होगा। तो अगर इस कॉयल में वर्क डन इतना होगा तो इसको कैलकुलेशन के लिए हम एक काम करते हैं, जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है एक इस कॉइल की एन आई ए होता है, यहाँ से एन आई और यहाँ से लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, ये वाली चीज़ हो जाएगी। तो अब जो वर्क डन यहाँ निकालोगे तो 2 एम की वैल्यू मैग्नेटिक मोमेंट एन आई लेंथ ब्रेथ और मैग्नेटिक फील्ड, अब कुछ नहीं करना इन सब में वैल्यू डाल देना, 2 नंबर ऑफ टर्न्स यहाँ से 250, करेंट कितना फ्लो हो रहा है 85 माइक्रो 10^-6 एम्पीयर, ठीक है। और लेंथ कितना है, लेंथ है 2.1 सेंटीमीटर 10^-2 मीटर और यहाँ से 1.25 × 10^-2, समझ में आया। और मैग्नेटिक फील्ड 0.85 टेस्ला। तो जब ये पूरा कैलकुलेट कर लोगे तो कैलकुलेट कर लेना, ये आ जाता है 9.4 माइक्रो और यहाँ से जूल आ जाता है, ठीक ना, या 9.4 × 10^-6 यहाँ से वर्क डन जूल आ जाता है, जो कि यहाँ से डी ऑप्शन मैच करता है लगभग लगभग। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखो।